और इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे बिहार के सासाराम का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस रैली को संबोधित कर रहे हैं। धरती को विकसित करने के लिए दिन रात मेहनत करने वाले मेरे मित्र श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा जी, पूर्व मुख्यमंत्री और जिनका छोटा सा शासनकाल भी गरीबों को हमेशा हमेशा याद रहेगा, दलित कभी उन्हें भूल नहीं पाएंगे, ऐसी जिन्होंने सरकार चलाई थी, भीतरा घात के बाद भी चलाई थी, अंदरूनी परेशानियों के बाद भी अपने मुद्दों पर अड़े रहे थे, लेकिन और लोगों ने जिन्हें काम नहीं करने दिया, ऐसे श्रीमान जीतन राम मांझी जी, प्रदेश अध्यक्ष भाई मंगल पांडे जी, हमारे सांसद छेदी पासवान जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेतागण और इस चुनाव में सासाराम के उम्मीदवार श्री जवाहर प्रसाद, नोखा से श्री रामेश्वर प्रसाद, दिनारा से श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह, काराकट से राजेश्वर राव, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के करगर उम्मीदवार वीरेंद्र कुमार सिंह, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के चेनारी के उम्मीदवार ललन पासवान जी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र कुमार उर्फ रिंकू जी, कोई रह तो नहीं गया ना भाई, और विशाल संख्या में पधारे हुए सासाराम के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बिहार में कल मुझे कुछ स्थानों पर जाने का अवसर मिला था, आज सासाराम और बाद में औरंगाबाद जा रहा हूं। आप लोगों को मतदान करना है 16 तारीख को, 16 है ना, आप लोगों को मतदान करना है 16 तारीख को, जो माहौल मैं देख रहा हूं, मैं पहले तो यहां के भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के सभी नेताओं को अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इतने बड़े मैदान में सभा करने की हिम्मत की है, और मैं उधर दूर भी लोगों को खड़े हुए देख रहा हूं, उधर भी देख रहा हूं, वहां किनारे तक लोग भरे पड़े हैं, यहां भी वही हाल है। भाइयों बहनों, मैंने लोकसभा में भी चुनाव की सभाएं बिहार में की थी, लेकिन ऐसा माहौल
लोकसभा के समय भी मुझे देखने को नहीं मिला था। जिस प्रकार से जनता जनार्दन इस चुनाव में अपना हौसला दिखा रही है, मैं मानता हूं ये चुनाव सिर्फ नई सरकार बनाने का ही चुनाव है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये चुनाव पुरानी सरकारें जिन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया उनको सजा देने का भी चुनाव है, ऐसा लग रहा है। यहां के मतदाता उन लोगों को सजा देने का संकल्प कर लिया है जिन्होंने बिहार को तबाह करके रख दिया है, और इसलिए 16 तारीख को आप ही हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट हो, आप ही हिंदुस्तान के न्यायाधीश हो, आप ही बिहार के न्यायाधीश हो, आपको ही 16 तारीख को बटन दबा करके गुनहगारों को सजा देने का फैसला आपके हाथ में। भाइयों बहनों, इस चुनाव में एक तरफ महास्वार्थ बंधन है और दूसरी तरफ एनडीए है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए ये महास्वार्थ बंधन इसको आप भली भांति जानते हैं क्या? ये महास्वार्थ बंधन में कौन कौन है? एक है कांग्रेस, दूसरे हैं लालू जी, तीसरे हैं नीतीश कुमार, एक को कांग्रेस पार्टी ने नेता बनाया तो किसी जमाने में जिस कांग्रेस पार्टी की 440 सीट हुआ करती थी उन्होंने 40 पर ला करके रख दिया। दूसरे हैं लालू जी, ये लालू जी को पूछिए जरा, बिहार के लोग इतना तो पूछिए कि लालू जी इस बार चुनाव के बाहर क्यों है? उन्होंने ऐसा तो क्या किया कि हिंदुस्तान की न्यायालय ने, कोर्ट ने, न्यायतंत्र ने उनको बिहार की राजनीति से बाहर कर दिया, चुनाव लड़ने से उनको रोक दिया, क्या किया था? क्या किया था? क्या किया था? क्या किया था? जरा बिहार की जनताओं को बताओ तो सही, जरा मीडिया के लोग उनको सवाल पूछने की हिम्मत तो दिखाओ कि वो चुनाव से बाहर क्यों है, उनका चुनाव लड़ने का अधिकार किसने छीना, कौन सा गुनाह किया था, कौन सा पाप किया था
कि जिसके कारण भारत के न्याय तंत्र को उनको बाहर कर देना पड़ा। लेकिन वो रिमोट कंट्रोल से बिहार को चलाना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं बिग बॉस हूं, बिग बॉस, मैं जैसा कहूंगा ऐसा इन लोगों को करना पड़ेगा, मैं नचाऊंगा ऐसा नाचना पड़ेगा। क्या आपको ऐसी सरकार चाहिए बिहार में? आपको ऐसी सरकार चाहिए बिहार में? और तीसरे वो है जिनका अहंकार उनको खुद को ले डूबा है, और सबसे ज्यादा उन्होंने वो पाप किया है जिस पाप की सजा बिहार दे के रहेगा, एक दलित के बेटे को, एक दलित का बेटा जो बिहार का मुख्यमंत्री बना उसकी पीठ पे छुरा भोंका गया और उसको सत्ता से बेदखल किया गया, अपने निजी स्वार्थ के लिए किया गया। उन्होंने जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़े और आज बिहार में जंगल राज लाने के लिए लाल जाजिम बिठा करके दुनिया को समझाने चल पड़े हैं। भाइयों बहनों, ये चुनाव के अंदर हर सरकार का काम होता है नौजवान, अब आगे आने की जगह ही नहीं है भैया, मैदान छोटा पड़ गया है, मैं क्या करूं। अब जहां है वहीं रह करके सुनिए, अब ये मीलों लंबा मैदान भी छोटा पड़ जाए तो आपको हमें माफ करना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ी शांति रखनी चाहिए। मैं सच बताता हूं जी, ऐसा माहौल सारे पॉलिटिकल पंडित जरा देख लें, क्या माहौल है ये, क्या जज्बा है। सासाराम को कहां से कहां ले जाने का फैसला कर लिया है लोगों ने, ये दिखाई देता है। भाइयों बहनों, चुनाव के अंदर जिस राज्य का चुनाव होता है उस राज्य में जो सरकार होती है उसे अपने काम का हिसाब देना होता है, पल पल का हिसाब देना चाहिए, पाई पाई का हिसाब देना चाहिए। बिहार में ये जो गठबंधन के लोग आए हैं इन्होंने 60 साल तक बिहार में राज किया है, ये महास्वार्थ बंधन इन्होंने बिहार में 60 साल तक राज किया है। मेरे भाइयों बहनों, 35 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया और 25 साल तक ये बड़े भाई और छोटे भाई ने राज किया। और ये तीनों ऐसे हैं, जरा कमाल देखिए, याद कीजिए इनको, ये तीन लोग कौन हैं? ये तीनों लोग वो हैं
जो कभी ना कभी एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, एक दूसरे के पैर काट रहे हैं, एक दूसरे का गला काटते रहे हैं, हर चुनाव में एक दूसरे को गाली देते रहे हैं, वे अचानक क्यों इकट्ठे हो गए भाई? कभी बिहार के इश्यू को लेकर के तो एक नहीं हुए, कभी इकट्ठे होकर के मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब भी बिहार के लिए नहीं गए, कभी इकट्ठे होकर के मैं जब से दिल्ली में बैठा हूं मेरे पास भी इकट्ठे होकर के नहीं आए, तो इकट्ठे कब आए? कुर्सी के लिए इकट्ठे आए, कुर्सी के लिए इकट्ठे आए भाइयों। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये स्वार्थ बंधन है, कुर्सी का स्वार्थ है, इसलिए ये चुनाव में इकट्ठे होकर के आए हैं। अब उनका जिम्मा है कि इस चुनाव में वे 60 साल के अपने काम का हिसाब दें, 60 साल उन्होंने बिहार को क्या दिया, पल पल का हिसाब दे, पाई पाई का हिसाब दें। भाइयों बहनों मुझे बताइए, इन लोगों ने अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पल पल का हिसाब देना चाहिए, पाई पाई का हिसाब देना चाहिए, बिहार का भला किया कि नहीं किया बताना चाहिए, कौन क्या कर गया वो बताना चाहिए, लेकिन बता रहे हैं क्या? हिसाब दे रहे हैं क्या? एक ही काम, हर सुबह डिक्शनरी लेकर के बैठो और डिक्शनरी में एक नई गाली ढूंढ के निकालो और मोदी को दिन भर एक गाली देते रहो। भाइयों बहनों, 2019 में जब लोकसभा का चुनाव होगा, मेरी सरकार को 5 साल हुए होंगे, मैं आपको वादा करता हूं 2019 में जब मैं आपके पास आऊंगा, मैं मेरे 5 साल का काम का हिसाब लेकर के आऊंगा, पल पल का हिसाब लेकर के आऊंगा, पाई पाई का हिसाब लेकर आऊंगा और फिर आपसे वोट मांगूंगा। लेकिन इस चुनाव में बिहार के सरकार में बैठे हुए लोगों ने अपने काम का हिसाब देना चाहिए, वे अपने काम का हिसाब नहीं दे रहे। मैं आपसे आग्रह करता हूं, इन तीनों पार्टी से कोई भी आपसे वोट मांगने आता है उसको पहले पूछो, 60 साल में आपने क्या काम किया ये जरा इनको पूछिए, कितने कारखाने आपने बंद करवा दिए। भाई ये कैमरा वाले लोग उधर जाते हैं उसी के कारण उनका जुस्सा बढ़ जाता है। भाइयों बहनों, उनको जरा पूछिए, 60 साल में बिहार से कितने नौजवानों का पलायन हुआ, जरा उनको पूछिए, उनको पूछिए 60 साल में बिहार में कितने कारखाने बंद हो गए, जरा उसका हिसाब पूछिए, इनका हिसाब पूछिए कि बिहार में कितने गांव हैं वहां शिक्षक जाने से डरता है, जरा उसका हिसाब पूछिए, उनको जरा हिसाब पूछिए कि बिहार में कितने अस्पताल हैं जिसके पास डॉक्टर तक नहीं है, जरा उनका हिसाब पूछिए, उनको इस बात का हिसाब पूछिए कि कितनी प्रति मात्रा में अपराध बढ़ते चले गए हैं, अपराधों में वृद्धि हुई है, इसका जरा हिसाब पूछिए। भाइयों बहनों,
उन्होंने अपने काम का हिसाब देना चाहिए, लेकिन वे अपने काम का हिसाब देने को तैयार हैं। भाइयों बहनों, पहले तो कोई जंगल राज की बात बताता था तो कम से कम ये जंगल राज वाले लोग थोड़े शर्माते थे, नीची मुंडी रखते थे, जनता जवाब सवाल पूछे तो भाग जाते थे। इन दिनों तो स्थिति ऐसी है कि खुद होकर के जंगल राज पर भाषण दे रहे हैं। ये इनकी हिम्मत देखिए, उन्होंने ठान ली है कि जंगल राज हो जाना ये गुनाह नहीं है, ये उन्होंने ठान लिए है। क्या बिहार को फिर से जंगल राज बनने देना है, जंगल राज आने देना है? हमें जंगल राज चाहिए। भाइयों बहनों, अब बिहार को विकास राज की जरूरत है, विकास राज की जरूरत है। और इसलिए मैं आपके पास आया हूं बिहार की जनता को बताने के लिए कि आप जंगल राज से मुक्ति पाने के लिए विकास राज का रास्ता अपनाइए, बिहार की समस्याओं का समाधान एक ही जड़ी बूटी में है, उस जड़ी बूटी का नाम है विकास, विकास और विकास। और इसलिए भाइयों बहनों, ये धान का कटोरा कहा जाने वाला इलाका आज मेरा किसान परेशान क्यों है? यहां जो सरकार बैठी है उनको उनकी सूंद लेने की फुर्सत नहीं है भाइयों। और इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसे लोग कभी बिहार का भला नहीं करेंगे। आप देखिए, बिहार में सारे उद्योग बंद हो गए, कभी ये सासाराम दालमिया के उद्योगों से जाना जाता था, आज बंद पड़े हैं कि नहीं बंद पड़े, ताले लग गए कि नहीं गए, सब लोग भाग गए कि नहीं भाग गए, कौन जिम्मेवार इसके लिए, कौन जिम्मेवार है इसके लिए? बिहार के नौजवानों को बेरोजगार करने का पाप किसने किया है भाई? और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भाइयों बहनों, इसलिए मैं आग्रह करने आया हूं कि बिहार में उद्योगों की जान लगानी पड़ेगी, नौजवानों को रोजगार मिले इसका प्रबंध करना पड़ेगा। यहां तो हाल यह है, यहां इतना पानी है, इतना पानी है, हमारे गरीब माछीमार समाज है, मछुआरा समाज है, लेकिन बिहार सरकार की नीतियां ऐसी है कि बिहार को खाने के लिए मछली आंध्र प्रदेश से लानी पड़ती है, 400 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, 400 करोड़। अगर बिहार के माछीमारों को अगर कुछ सुविधाएं दी जाती तो यहां पर मछली बाहर से लानी पड़ती क्या? यहां के लोग जो मछली खाते हैं उनको जेब से 400 करोड़ रुपया जाता क्या? लेकिन उनको इतना भी नहीं आया और अगल बगल के प्रदेशों से 400 करोड़ रुपए की मछली आज उनको बाहर से लानी पड़ती है, तब जाकर के लोगों के पेट में भरने के लिए स्थिति बनती है। जो काम यहां के लोग कर सकते हैं, यहां पानी है, लेकिन उनको न यहां के पानी की चिंता है, न यहां की जवानी की चिंता है। इनका तो
एक ही उद्योग है, एक ही उद्योग, और वो उद्योग क्या है? बिहार में जंगल राज में एक ही उद्योग पनपा है और वो उद्योग है अपहरण करना, किडनैप करना, फिरौती लेना, लोगों के घर कब्जा करना, लोगों की जमीन कब्जा कर लेना, लोगों की गाड़ी मार लेना। यही चला है कि नहीं चला है भाइयों? यही चला है कि नहीं चला है? महरानों, कल रात को ये जंगल राज कैसा आ रहा है देखिए। अभी तो सरकार बनी नहीं है इनकी, अभी तो चुनाव में फैसला होना बाकी है, लेकिन उनके चेले चपाटे जो पहले जंगल राज को चलाया करते थे, कल रात को पटना में, बिहार की पाट नगरी में एक पुलिस अफसर को गोली मार दी गई। मुझे बताइए भाइयों बहनों, जिस बिहार में पुलिस अफसर को सुरक्षा नहीं है, वहां सामान्य मानवी को रक्षा कहां से होगी? भाइयों, कहां से होगी? ये जंगल राज के आसार है, ये जंगल राज के संकेत है। जनवरी महीने से जुलाई महीने तक 4000 अपहरण की घटनाएं हुई है, 4000। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में त्योहार आएंगे, इन त्योहारों में दुर्गा उत्सव होगा, रामलीला होगी, विजयादशमी होगी। जब जंगल राज का जमाना था, कोई बहन बेटी शाम के अंधेरे में दुर्गा के दर्शन के लिए जा नहीं पाती थी, रामलीला देख नहीं पाती थी, विजयादशमी के पर्व पर नई गाड़ी खरीदनी हो नहीं खरीदते थे, सोचते थे शायद बगल बगल में किसी नेता को पता चल गया तो हफ्ते भर में गाड़ी उठवा ली जाएगी, गाड़ी भी जाएगी, पैसे भी जाएंगे। भाइयों बहनों, ऐसे दिन फिर से लाने हैं क्या? और इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि बिहार को विकास चाहिए, सासाराम को विकास चाहिए, हर गांव को विकास चाहिए। हमारी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रही है, गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रही है। और इसलिए मैं कहने आया हूं, हमने सपना देखा है 24 घंटे बिजली पहुंचाने का। आज बिहार में बिजली होती तो कारखाने लगते कि नहीं लगते? बिहार में बिजली होती तो कारखाने लगते, लगते कि नहीं लगते? अगर बिहार में बिजली होती तो बच्चों की अच्छी पढ़ाई होती कि नहीं होती? लेकिन बिजली देने का वादा करके उन्होंने वादा नहीं निभाया। याद करो, याद करो, ये मुख्यमंत्री आपके, उनका अहंकार इतना है जवाब देने को तैयार नहीं है। उनका अहंकार इतना है कि वे जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, उनको जरा पूछो कि 2010 में आप वोट मांगने के लिए आए थे, तब आपने कहा था कि मैं बिजली पहुंचाऊंगा और अगर बिजली नहीं दे सकता हूं तो 2015 में मैं वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा, ऐसा कहा था? ये आपके मुख्यमंत्री ने कहा था, बिजली का वादा किया था, बिजली आएंगे तो 2015 में आएंगे, ऐसा कहा था? 2015 आई, बिजली आई, नहीं आई? लेकिन वो आए कि नहीं आए? आ गए। अब मुझे बताइए, जिसने आपसे धोखा किया उनसे आप धोखा करोगे कि नहीं करोगे? उनका हिसाब मांगोगे कि नहीं मांगोगे? उनको सजा करोगे कि नहीं करोगे? इसलिए भाइयों बहनों, ये चुनाव
जिन्होंने आपको बिजली देने का वादा किया, बिजली नहीं दी, उनका हिसाब मांगने का समय आया है। हमने भाइयों बहनों 1,65,000 करोड़ रुपया का पैकेज दे दिया, विकास का पैकेज 1,65,000 करोड़ रुपया। भाइयों बहनों 1,65,000 करोड़ रुपया का ये विकास का पैकेज, ये विकास का पैकेज बिहार के नौजवानों का भाग्य बदलने वाला है। ये विकास का पैकेज बिहार के नौजवान पूरे हिंदुस्तान के भाग्य बदल देंगे, ये ताकत रखता है भाई। और इसलिए आज मैं आपके पास आया हूं। आज देखिए बिहार में से पढ़े लिखे नौजवान हिंदुस्तान के सभी राज्यों में हैं, सरकार में हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं। और बिहार के नौजवान जिस राज्य में गया, जहां उसको सेवा करने का मौका मिला, उस राज्य को बिहार का नौजवान नई ऊंचाइयों पर ले गया, नई ऊंचाइयों पर ले गया, उस राज्य का विकास किया। लेकिन बिहार के अंदर ऐसी सरकारें मिली कि इन नेताओं के कारण बिहार के नौजवान की ताकत का कोई उपयोग नहीं हुआ, यहां की सरकारी मशीनरी का अच्छा उपयोग नहीं हुआ। आज देखिए बिहार का हाल क्या है। पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय में बिहार आज देश में 29वें नंबर पर बैठा हुआ है, 29वें नंबर पर। उसी प्रकार शिक्षा, बिहार पूरे देश में शिक्षा में 29वें नंबर पर बैठा हुआ है। प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत, प्रति व्यक्ति बिजली की खपत बिहार 29वें नंबर पर है। शुद्ध पीने का पानी, शुद्ध पीने का पानी ये मुहैया करने में बिहार हिंदुस्तान में 26वें नंबर पर बैठा है। ग्रामीण क्षेत्रों में टैली डेंसिटी, इस टैली डेंसिटी में बिहार 28वें नंबर पर बैठा है हिंदुस्तान में। रोजगारी निर्माण करने के मामले में बिहार देश में 20वें नंबर पर बैठा है, 20वें नंबर पर। कोई ऐसा मापदंड नहीं है जिसमें बिहार हिंदुस्तान के सामने सीना ठोक करके खड़ा हो जाए। अगर है तो अपराधों में है, अपहरण में है, गोलियां चलाने में है। और ये पाप यहां की सरकारों के कारण है, यहां की सरकारें जिम्मेवार है। और इसलिए भाइयों बहनों बिहार को बर्बाद करने वालों को सजा देने के लिए इस चुनाव में मैं आपकी मदद मांगने आया हूं। आज पूरे विश्व में हिंदुस्तान की वाहवाही शुरू हुई है, पूरी दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश हिंदुस्तान है ये पूरा विश्व मानने लगा है। एक साल के भीतर भीतर भाइयों बहनों आपने 60 साल ये महास्वार्थ बंधन को दिए हैं, 60 साल महास्वार्थ बंधन को दिए हैं। आप एनडीए को, बीजेपी को 60 महीने दीजिए, मैं 60 साल का जो बर्बादी है इसको मिटा करके दिखाऊंगा भाइयों, मिटा करके दिखाऊंगा। आपने उनको 60 साल दिए हैं, हमें सिर्फ 60 महीने दीजिए। भाइयों बहनों भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेतृत्व में 2/3 बहुमत की सरकार बनाइए, आधा अधूरा मत दीजिए, 2/3 की सरकार बनाइए। और 5 साल के बाद
मेरे से हिसाब मांगिए, हमने क्या बिहार को आगे बढ़ाया है। और इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं, इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं, एनडीए के सभी साथियों को जिताने के लिए, हमारे सभी साथी दलों को जिताने के लिए, जीतन राम मांझी के हाथ मजबूत करने के लिए, उपेंद्र कुशवाहा के मां हाथ मजबूत करने के लिए, रामविलास पासवान के हाथ मजबूत करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को ताकत देने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं। आप सबके साथ सहयोग के लिए मैं आपका आभारी हूं। सभी नेताओं से मेरा आग्रह आ जाए, सभी उम्मीदवार आ जाए, मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।